लेक्चर तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को बोलो, एनी डाउट लास्ट लेक्चर? बेसिक लास्ट टर्म पे हम लोग साइन वर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, इन सबको आप ओपन कैसे करते हो और डायरेक्ट इनको कब ओपन कर सकते हैं वो सीख रहे थे। लाइक साइन वर्स साइन एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स एंड कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, डायरेक्ट ओपन इन -90 डिग्री टू +90 डिग्री, या फिर आप नंबर्स की फॉर्म में बोलते हो तो -1.572 +1.57, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, अच्छा कॉट इनवर्स कॉट एक्स और सेक इनवर्स सेक एक्स, ये लोग भी डायरेक्ट ओपन इन द इंटरवल 0 to π। साइन वर्स साइन, टेन इनवर्स टेन और कॉसेक इनवर्स कॉसेक, इनके प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम। कॉस इनवर्स कॉस, कॉट इनवर्स कॉट और सेक इनवर्स सेक, इनके प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी बोला था, लाइक दिस क्वेश्चन, ये सॉल्व किया है आप लोगों ने? हाँ, क्या आंसर है बोलो? 100 -32 π। 100 -32 π, तो 100 ये 32 π से थोड़ा कम होता है। ठीक है, अभी 10 वर्स 10x है वो कुछ इस तरीके से है, जितनी पाई के मल्टीपल्स हैं उनका स्लोप है 1, यानी कि यहाँ पे दिस शेप, यहाँ पे होगा 32 π और यहाँ पे 100। फिर आप इसका इक्वेशन लिखोगे y इज इक्वल टू x -32 π, y -y1 इज इक्वल टू स्लोप यानी 1, x -x1। ठीक है, और फिर उसमें x इज इक्वल टू 100 यानी 100 -32 π। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए बोला था, तुम लोगों ने किया होगा, ऐसा टफ जैसा कुछ है नहीं इसके अंदर, सब सिंपल ही है। ठीक है, लास्ट, फिर भी कोई डाउट है किसी क्वेश्चन के अंदर तो आप लोग बोल सकते हो। ओके, और एक ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला था आशुतोष, क्या आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन में? सब मैंने नहीं किया, टेस्ट का पढ़ाई करा था। ओके, किसी ने सॉल्व किया है क्या? हाँ सर, इसका पाई स्क्वायर आया। पाइस पर आ रहा है, ठीक है, चेक करते हैं, करो एक बार सॉल्व करो। ठीक है, तो साइन वर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, 0 to 2π। तो साइन वर्स साइन एक्स और कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये जस्ट आपको प्लॉट करना है। तो ये हो गया साइन वर्स साइन एक्स, यहाँ पे आता है -π/2 पे -π/2, +π/2 पे +π/2, आपको ड्रॉ करना है जस्ट 0 to 2π। सो दिस इज π/2, यहाँ पे पाई, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π। ठीक है, तो ये हो गया और फिर यहाँ पे 2π, इसके आगे 5π/2 तक जाएगा, वो देखना नहीं है वैसे, फिर भी ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हैं। थोड़ा उससे क्या आइडिया लगता रहता है कि हम लोग एक्चुअल में है कहाँ पे। तो ये हो गया अभी π/2 एंड दिस इज -π/2। अब इसमें ड्रॉ करोगे आप कॉस इनवर्स, कॉसिक्स हाँ, तो ये 0 to 2π, सॉरी 0 to π एज इट इज, और फिर यहाँ पे 2π पे, इधर क्वेश्चन था एरिया बाउंडेड, तो जो एरिया आपको इन दोनों के बीच में दिख रहा है ग्रीन और ब्लैक में, वो आपको फाइंड करना है, तो डेफिनेटली यही एरिया आ रहा है बस। ठीक है, तो ये फाइंड करना था। अगेन इसका स्लोप है 1, इसका स्लोप भी है 1, यहाँ भी स्लोप है -1, ये स्लोप भी है -1, डेफिनेटली ये क्या बन गया अभी एक, रेक्टेंगल। हाँ ये रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का एरिया आपको फाइंड करना था। ठीक है, तो ये पॉइंट कितना आ रहा है बोलो, तो कैसे भी कर सकते हो, और इसको तो काफी सारे मेथड्स हैं, मतलब लेंथ सर इसको विड्थ ट्रायंगल कर सकते हो, ट्रायंगल में डिवाइड किया तो इजी में पड़ता है। डिवाइड करके कर सकते हो, वो भी ठीक है। जैसे ये पोर्शन पता कर लो, ये पोर्शन कितना आ गया बोलो, हाफ, और पाई बेस स्क्वायर बाय कितना, टू और हाइट हो गया इसका π/2, तो ये एरिया आ गया है पाई स्क्वायर अपॉन 4 4। इसके बाद कौन सा सेगमेंट फाइंड करोगे? वो राइट ये एंगल पॉइंट, वाला हाँ जो ये दिखता है सेगमेंट फाइंड कर लेते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है इसका, पाई टू। पाई, तो ये हो गया पाई स्क्वायर अपॉन टू। ये सेगमेंट फाइंड कर लेते हैं, ये भी हो गया हाफ बेस इंटू हाइट, बेस यानी कि दिस पाई और हाइट है दिस यानी कि पाई पाई बाय बाई टू टू, तो ये हो गया है पाई स्क्वायर अपॉन 4 फोर। ठीक है, सो फाइनल आंसर कितना आ रहा है बोलो, पाई स्क्वायर। टोटल एरिया?
इन सब का एडिशन यानी आंसर इज पाई स्क्वायर। ठीक है, तो कोई डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर? बताओ, सिंपल ही क्वेश्चन था, मतलब तुम देते इसको 2 मिनट में हो जाता है। ठीक है यार, ये सब एक्सक्यूज ही होते हैं कि इसके प्रिपरेशन कर रहे थे, उसके प्रिपरेशन कर रहे थे। करंट टॉपिक आपको हमेशा करना होता है, वरना करंट टॉपिक भी पेंडिंग हो जाएगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा आपको। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैक्सिमम 2 मिनट लग रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ था कि इसको सॉल्व करने में 15 मिनट्स लग गया, ऐसा कुछ? ठीक है, तो जस्ट चीजें रिवीजन के लिए दी जाती हैं आपको, ताकि एक बार अपने आप से आप नोट्स पढ़ लो सारे और विद इन सेकेंड्स का क्वेश्चन। ठीक है, सो लास्ट टर्म पे साइन इनवर्स साइन एक्स सब कंप्लीट हो गया था, एक दो क्वेश्चन और करते हैं और फिर आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये 3x² + 8x < 2 sin inverse sin 4 - cos inverse cos 4, ये क्वेश्चन। आपको सॉल्यूशन यानी वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग गिवन इन इक्वेशन ये फाइंड करना है। तो बेसिकली जो मेन पर्पस है वो जस्ट दिस और दिस फाइंड करना है। तो ये है साइन इनवर्स साइन 4, इसके लिए आपको साइन इनवर्स साइन x अगर पता होना चाहिए। ये हो गया ऑलमोस्ट पाई बाई टू, फिर यहाँ पे पाई एंड दिस इज 3π/2। पाई होता है 3.14, ये डिफरेंस होता है 1.57 का। तो 3.14 और 4 में डिफरेंस 1.57 समथिंग कुछ है क्या, बोलो? नहीं। तो डेफिनेटली 4 यहाँ पे। इसका इक्वेशन लिखोगे y - y1, पाई कॉमा 0 के हेल्प से इसका इक्वेशन लिखते हैं। सो y - y1 स्लोप है -1 और x - x1। तो इसका इक्वेशन आ गया है अभी y = π - π - x। हाँ, मतलब ये जो कंपोनेंट है ना, दिस कंपोनेंट, इसका वैल्यू आएगा 2 times π - 4। अभी cos inverse cos, ये ग्राफ पता होना चाहिए, ये है 0, पाई के ऑड मल्टीपल्स पे आपको टॉप पॉइंट मिलता है। तो ये हो गया पाई, दिस इज 2π, ये है 3.14, दिस इज 6.28। क्लियरली 4 यहाँ पे। इसका इक्वेशन बोलो, y - 0 x - 2π, और स्लोप कितना आ रहा है इसका? -1। तो ये हो गया y = 2π - x। हाँ, तो ये हो गया है अभी -2π - x, यानी कि 4। 2π 2π कैंसिल, ये हो गया अभी +8 एंड +4। सो 8 + 4 12, और फर्दर आपको फिर ये सॉल्व करना है। तो इस तरीके से इसके एप्लीकेशन है, बाकी सिंपल ही होता है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ सोचने का नहीं है रिक्वायरमेंट। ठीक है, एक सिंपल पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कहीं पे इस तरीके से भी आता रहता हूँ, लाइक आर्क साइन एक्स। तो आर्क साइन एक्स का मीनिंग होता है साइन इनवर्स एक्स। हाँ, ऐसे ही आर्क कॉस एक्स, आर्क टेन एक्स, आर्क कॉट एक्स, आर्क एनीथिंग। तो इसका मतलब इनवर्स फंक्शन की बात है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये लिखते हैं, ये सॉल्व करो अभी। ये ट्राई करो, स्टार्टिंग विथ दिस पोर्शन कंसिडरिंग एज टी। हाँ, तो ये हो गया t² - 5t + 6, t - 2, t - 3, क्रिटिकल पॉइंट्स 2, 3, ±, इक्वलिटी है डार्क सर्कल पॉजिटिव पोर्शन। तो cot इनवर्स x <= 2 और cot इनवर्स x <= 3। हाँ, अभी ये बताओ cot इनवर्स x <= 2, तो मिनिमम कितना पॉसिबल है cot इनवर्स? जैसे साइन इनवर्स -π/2 - π/2 में ही आता है, वैसे ही कॉट इनवर्स, कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स का मिनिमम कितना पॉसिबल है? 0। लेकिन 0 पे इक्वलिटी नहीं आता है वहां पे,
और ये हो गया cot inverse x greater than equal to 3. cot inverse maximum कितना पॉसिबल है? पाई. हाँ, ये तो आपको अपने आप से ऐड करना पड़ेगा वरना मिस्टेक हो जाएगा. ठीक है, अभी cot inverse strictly decreasing in equation sign change. हाँ, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो? cot 2 एंड यहाँ पे cot 0. cot 0 ठीक है, यहाँ पे cot pi एंड दिस इज cot 3. हाँ ठीक है, cot 0 यानी cos 0 अपॉन sin 0. 1 अपॉन 0 कितना होता है? infinity. सो ये हो गया x belongs to cot 2 infinity. cot pi, cos pi upon sin pi, ये कितना हो गया? माइनस माइनस इनफिनिटी. सो माइनस इनफिनिटी टू cot 3. फाइनल आंसर इन दोनों का यूनियन. सो फाइनल आंसर कितना आ रहा है बोलो? x belongs to माइनस इनफिनिटी टू cot 3 यूनियन cot 2 टू इनफिनिटी. हाँ ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखोगे वो तो फिक्स है. बोलो कोई डाउट है इसमें तो बताओ. ठीक है, सो इस चैप्टर के फर्स्ट पॉइंट में था sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, इन सब के ग्राफ, एप्लीकेशंस, डोमेन, रेंज वगैरह. फिर हम लोगों ने गो थ्रू कर रहे थे हम लोग लाइक दिस, sin x, cos inverse cos x, tan inverse tan x, ये सेकंड पॉइंट. अभी इस चैप्टर में थर्ड पॉइंट. सो थर्ड पॉइंट इज बेसिकली sin sin inverse, cos cos inverse, cot cot inverse, x x inverse, इस तरीके से. ठीक है, तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा दिस पॉइंट और स्टार्टिंग वाले पॉइंट में, यानी कि पॉइंट नंबर 2 में डिफरेंस क्या है. ये है sin sin inverse और वहां पे था sin inverse sin sin x. तो sin inverse यानी इनवर्स, ये मेजर है आंसर आपके एंगल्स आते हैं. यहाँ पे मेजर है साइन ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे आपका एंगल आंसर नहीं आएगा, नंबर आंसर आएगा. लाइक साइन 60 डिग्री इक्वल टू रूट 3/2. ओके, स्टार्टिंग करते हैं फंक्शन, इसका डोमेन क्या होना चाहिए और फिर इसके अकॉर्डिंग इसका रेंज. सो स्टार्टिंग विद साइन साइन इनवर्स एक्स. अगेन ये है होस्ट, होस्ट का कोई कंडीशन है यहाँ पे? साइन का कोई कंडीशन होता है क्या बोलो? नहीं. ठीक है, तो होस्ट का कोई कंडीशन नहीं है, केवल गेस्ट का इशू है. साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का एंट्री कंडीशन बोलो? -1 to 1. हाँ, -1 to 1. तो जो इनवर्स वाले लोग थे बस वही उनका कंडीशंस आते हैं बस यहाँ पे. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट साइन साइन इनवर्स, कॉस कॉस इनवर्स, टेन टेन इनवर्स, कॉट कॉट इनवर्स, एंड फिफ्थ पॉइंट आप लिख सकते हो यहाँ पे sec sec इनवर्स, एंड लास्ट cosec cosec इनवर्स. ठीक है, डोमेन -1 to 1, cos इनवर्स का कंडीशन -1 to 1, tan इनवर्स का कोई एंट्री कंडीशन होता है क्या बोलो? नहीं. नहीं. -∞ to +∞, cot इनवर्स का कोई एंट्री कंडीशन है? -∞ to +∞. हाँ, sec इनवर्स का एंट्री कंडीशन -∞ to -1 यूनियन 1 to 1 to infinity. हाँ, और cosec इनवर्स इसका एंट्री कंडीशन भी सेम. ठीक है, रेंज साइन, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दिस, तो साइन का रेंज क्या होता है? -1 to 1. कॉस का रेंज भी सेम. टेन का रेंज क्या होता है? टेन का -∞ to -2 to +∞. हाँ, सेम रेंज कॉट के लिए. सेक का रेंज क्या होता है बोलो? -∞ to -1. -1 यूनियन 1 to infinity. और ये सेम. ठीक है, ओके. एक पॉइंट में आप लोगों को बता देता हूँ, यदि बाहर ट्रिग्नोमेट्री आपको दिखता है, एक्सटर्नल पार्ट ट्रिग्नोमेट्री, तो विदाउट एनी टेंशन यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता, इसके डायरेक्ट आंसर्स आते हैं. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, जैसे ये होता है साइन वर्स साइन एक्स, तो इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता है कि इसको ओपन कैसे करना है फाइनली, और वो ग्राफ वगैरह बना के फिर ओपन होते हैं. यहाँ पे जो एक्सटर्नल पार्ट है, जो मेजर पार्ट है, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है. और यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में मेजर पार्ट क्या रहा है बोलो? ट्रिग्नोमेट्री. तो आपका एक्सटर्नल पार्ट ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में है, आपको कोई भी
एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस ग्राफ वगैरह बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, डायरेक्ट आंसर्स आता है। इसका मीनिंग क्या है क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, साइंस साइन इनवर्स एक्स विदाउट एनी प्रॉब्लम आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, एक्स जो इनपुट था सेम आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, ठीक है। लेकिन केवल अपने अपने डोमेन में, लाइक साइन साइन इनवर्स एक्स दिस बिलोंग्स टू एक्स या दिस इक्वल्स टू एक्स ओनली फॉर एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 की, वही उसके एंट्री कंडीशंस है। टेन टेन इनवर्स एक्स में आप कुछ भी पुट कर सकते हो, सेक्स सेक इनवर्स के अंदर -∞ to -1 या फिर 1 to ∞, ठीक है। आउटपुट सेम, y इज इक्वल टू x। तो सपोज करो आपको ये ग्राफ प्लॉट करना है, साइन साइन इनवर्स या फिर cos cos इनवर्स, नॉट साइन इनवर्स साइन, ये साइन साइन इनवर्स है। तो बिल्कुल सिंपल ग्राफ है इसका, as y इज इक्वल टू x, लेकिन ये ग्राफ प्लॉट करना है ओनली फोर -1 to 1। हाँ, इसके अलावा ये लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं, सॉरी पीरियोडिक फंक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्राफ रिपीट वगैरह नहीं करता है। साइन इनवर्स वो वाले सब पीरियोडिक फंक्शन थे, साइन इनवर्स साइन, कॉस इनवर्स कॉस, वो सब पीरियोडिक फंक्शंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टेन टेन इनवर्स एक्स या फिर कॉट कॉट इनवर्स एक्स, काफी ज्यादा सिंपल है और ये केस मेनली आता है एग्जाम्स में क्योंकि सिंपल होते हैं इसलिए, है ना। तो ये हो गया वाई इज इक्वल टू एक्स, लेकिन ये कहीं पे स्टॉप नहीं होगा, तो ये रे को शो कर रहा है बेसिकली, ठीक है। इसका इक्वेशन भी है वाई इज इक्वल टू एक्स। एंड थर्ड पॉइंट, कॉट sec sec इनवर्स या फिर cosec cosec इनवर्स x, तो ये भी है y is equal to x, लेकिन एंट्री कंडीशन है इसका यहाँ पे -1 लेफ्ट साइड एंड 1 राइट साइड, यानी कि दिस। तो कोई ये बोलता है कि ये दोनों इक्वल फंक्शंस है, नहीं होते हैं इक्विवेलेंट फंक्शंस। ये फंक्शंस में आया था वहां पे डोमेन रेंज ग्राफ को डोमेन सब सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये लोग इक्विवेलेंट फंक्शंस नहीं है, आउटपुट सेम ही आ रहा है, लेकिन ये आउटपुट डिफाइन है ओनली फॉर -1 to 1। दिस आउटपुट डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एनी नंबर आर, और ये डिफाइन है ओनली फॉर -1 के लेफ्ट साइड में एंड 1 के राइट में, राइट साइड में, क्लियर, ओके, ठीक है। तो आप इनका थोड़ा सा डोमेन माइंड में रखना कि डिफाइन कब होता है। जैसे सपोज करो ये लिखा हुआ है साइन साइन इनवर्स 2, तो ये डिफाइन होगा क्या, ठीक है, क्लियरली नॉट डिफाइन, क्योंकि यहाँ पे आना चाहिए -1 to +1। इसके प्लेस पे ये क्वेश्चन लिखा होता है साइन साइन इनवर्स ई बाई 3, तो ई बाई 3 यानी कि 2.71/3 यानी कि 0.9, डेफिनेटली 1 से कम है। डायरेक्ट आउटपुट कितना बोलो, E by 3। ऐसा कुछ लिखा हुआ है 10 10 inverse 100, तो अगेन 10 10 inverse x, आउटपुट सेम फॉर एनी नंबर, आंसर 100। हाँ, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, साइन कॉस इनवर्स 3/5, ये फाइंड करना है। अगेन समझने का ट्राई करना, एक्सटर्नल पार्ट ये इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इजी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में काफी कॉमन नहीं है ना, ये सब आते हैं क्वेश्चंस जहां पे बाहर ट्रिग्नोमेट्री होती है, अब वो कुछ नहीं करना होता, डायरेक्ट आंसर्स आते हैं। तो एक्सटर्नल पार्ट ट्रिगो, ठीक है, नो इश्यू, नो एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस, बस इतना माइंड में रखो कि कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस नहीं करना होता यहाँ पे। तो करना क्या होता है, जैसे ये आपको फाइंड करना है कॉस इनवर्स है, एंगल्स प्रोवाइड करते हैं, एक सेकंड क्लास को क्या कंसीडर करूं, थीटा, थीटा, तो कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5, अभी ये सेगमेंट क्या बन गया यहाँ पे साइन थीटा, तो कॉस थीटा गिवन है आपको 3/5 और अभी फाइंड करना है साइन थीटा, सिंपल है, ये तो कर सकते हैं ना हम लोग। अभी इसमें काफी लोग ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल बनाने का रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पे, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसका आंसर है 4/5, ये इसका आंसर है।
ठीक है, तो एक्सटर्नल पार्ट ट्रिग्नोमेट्री होता है, तो कोई भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस नहीं करना होता आपको, फिक्स है ये फाइंड करो। So this portion theta cos theta is equal to 1/3। हाँ, तो cos theta is equal to है 1/3, और अभी find करना है आपको simply just tan theta। हाँ, तो cos theta है base upon hypotenuse, और tan theta होता है perpendicular upon base, यानी कि 1 perpendicular is root theta आना चाहिए। हाँ sir। तो ये हो गया 2√2, ये आंसर है। ठीक है, बहुत सिंपल है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल पार्ट ट्रिग्नोमेट्री नहीं सोचना होता है कुछ भी। अगेन यहाँ पे साइन इनवर्स वगैरह होता तो फिर प्रॉपर ग्राफ्स वगैरह सब कुछ सोच के आपको आंसर बताना होता है, क्योंकि वो इनवर्स फंक्शंस हैं, उनकी कंडीशंस होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ऐसा कोई स्पेशलिटी या कोई बहुत ज्यादा कंडीशंस नहीं होती उन लोगों। ठीक है, नेक्स्ट करो ये क्वेश्चन। दिस इज साइन ऑफ पाई बाय 6 प्लस थीटा। हाँ, साइन ऑफ ए प्लस बी, यानी साइन ए साइन 30 1/2, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये क्लियर? हाँ ठीक है। कॉस कॉस इनवर्स को डायरेक्ट 1/4 √3/2 ये कंसीडर करो आप थीटा, और फाइंड करो साइन थीटा। बताओ कितना था? √3/4 साइन थीटा। ठीक है, √3/4 तो गलत है, √15 आना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल बेटे, 4 का स्क्वायर करके फिर 1 का स्क्वायर करके माइनस करते हैं, ऐसे 4 माइनस 1 नहीं करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस नहीं होती है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस ऑफ साइन इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 2/3, ये क्वेश्चन करो। अगेन कॉस ऑफ ए प्लस बी, सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। एक्सटर्नल पार्ट ट्रिग्नोमेट्री होता है, कभी इशू नहीं होता है, डायरेक्ट आंसर आते हैं। फिर से बोलेंगे, अगेन कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहां पे एक सेकेंड के लिए इसको अल्फा, तो साइन अल्फा 4/5 देन कॉस अल्फा 3/5। ये कॉस कॉस इनवर्स है डायरेक्ट अपॉन 2/3 माइनस साइन साइन इनवर्स डायरेक्ट अपॉन 4/5, इसको पुट करो आप बीटा, तो साइन बीटा। सो फाइनल आंसर इज 15, और यहाँ पे है 6 - 4√5। अगेन फाइनल आंसर का जो फॉर्म है वो तो ऑप्शंस पे ही डिपेंड करता है, ऑप्शंस किस फॉर्म में है, तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अगेन 10 इनवर्स डायरेक्ट माइनस 5/3 sec और cos माइनस डिसअपीयर, रिमेनिंग है दिस
cos 60 डिग्री कितना होता है बोलो 1 upon 2 सो फाइनल आंसर 2 ठीक है अगेन एक्सटर्नल पार्ट ट्रे को कोई भी इशू नहीं होता इसमें नो इशू बस माइंड में इतना रखो नो इशू करना क्या है वो तो देख लेंगे अभी ठीक है तो cot inverse दिस पोर्शन अल्फा तो साइन अल्फा कितना आ रहा है बोलो 3 by cot alpha is equal to 1 upon 2 cot होता है base upon perpendicular क्योंकि tan होता है perpendicular upon base और अभी साइन साइन होता है perpendicular upon hypotenuse यानी 2 upon root 5 हां root 5 जो थोड़ा ठीक से बताओ बेटा ना ठीक है अभी ये क्वेश्चन हो गया दिस cos tan inverse 2 upon root 5 दिस पोर्शन बीटा तो tan बीटा कितना आ रहा है 2 upon root 5 root 5 और अभी आपको फाइंड करना है cos बीटा तो tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस और cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज root 5 by 3 तो 4 plus 5 9 under root 3 ये इसका आंसर बताओ कोई डाउट है तो बोलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1 अपॉन 5 माइनस पाई बाई 4 ये क्वेश्चन अभी दिस पोर्शन थीटा तो tan थीटा कितना आ गया बोलो 1 अपॉन 5 एंड दिस पोर्शन इज tan 2 थीटा माइनस पाई बाई 4 कोई डायरेक्ट रिजल्ट तो है नहीं यहाँ पे तो tan ऑफ a माइनस b यानी tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इनटू tan b अभी tan थीटा की हेल्प से आप फाइंड करोगे tan 2 थीटा tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोलो इन टर्म्स ऑफ tan 2 tan a upon 1 minus tan square हाँ tan 2 theta find करो उसको यहाँ पे put करो और final answer बताओ कितना आता है देखते हैं इनवर्स के क्वेश्चंस फंक्शंस वाली शीट में ही है ना तो आप लोग उसका प्रैक्टिस कर सकते हो सर -15/29 फाइनल आंसर हाँ देखते हैं 2 tan theta upon 1 minus tan theta so this is 2 upon 5 25 24 5 12 तो यहाँ पे 5 upon 12 minus 1 upon 1 plus 5 upon 12 so minus 7 upon 17 ये आना चाहिए हाँ सर हाँ सर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करो ये क्वेश्चन सॉल्व करो
माइनस थ्री बाय फोर माइनस थ्री अपॉन फोर ओके सर प्लस थ्री बाय फोर देखते तो ये है कॉट ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा कॉट ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा पाई बाई टू है कॉट विल चेंज इन टेन प्लस थीटा यानी कि माइनस दिस तो ये हो गया माइनस टेन दिस अगेन एक्सटर्नल पार्ट ट्रिग्नोमेट्री इजी क्वेश्चन ये है थीटा तो टेन थीटा साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो ये हो गया है दिस और टेन होता है दिस ये आंसर माइनस थ्री अपॉन फोर नेक्स्ट क्वेश्चन टेन sec इनवर्स साइन cos इनवर्स एक्स ये आपको एक्स के टर्म्स में फाइंड करना है फाइनल अगेन एक्सटर्नल पार्ट ट्रिग्नोमेट्री विदाउट एनी प्रॉब्लम राइट आंसर ओके क्या एक्सप्रेशन आ रहा है बोलो अगेन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स देन साइन थीटा दिस इज एक्स अपॉन वन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर हाँ अभी है क्वेश्चन दिस तो माइनस एक्स स्क्वायर हाँ माइनस एक्स स्क्वायर अच्छा फाइनल आंसर बोल रहे हो क्या हाँ ठीक है वैसे इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है मेरे को यहाँ पे ये एक्सप्रेशन कुछ और फॉर्म करना चाहिए हम लोगों को इसमें मिस्टेक sec इनवर्स का एंट्री कंडीशन क्या होता है बताओ माइनस वन लेफ्ट साइड और वन राइट साइड राइट लेकिन यहाँ तो वन में से एक पॉजिटिव नंबर आप माइनस कर रहे हो ना तो ये तो लेस देन वन हो जाएगा यानी कि दिस एक्सप्रेशन इज डिफाइंड ओनली फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो तो ये केवल x is equal to zero पे ही defined है क्वेश्चन में करेक्शन करो इसको one upon x लिखो अभी ठीक है अब फाइंड करो So, अभी cos theta is equal to 1 upon x find करना है sin theta. Cos is base upon hypotenuse and sin theta is perpendicular upon hypotenuse. तो ये हो गया under root of x square minus 1 upon x. ये भी less than 1 ही है कोई फायदा नहीं एक काम करो क्वेश्चन तुम यहाँ पे करेक्ट करो इसको cot inverse करो इसमें अब ठीक है cot inverse को एंट्री कंडीशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता कुछ भी पुट कर सकते हो ठीक है थोड़ा करेक्शन यहाँ पे करो ये 1 upon x और ये cot inverse तो भी क्वेश्चन बन गया है दिस 10 cot inverse अंडर रूट ऑफ x square minus 1 upon x
Now this portion alpha, तो cot alpha is this, और ये portion है tan alpha, यानी कि इसका reciprocal. तो final answer कितना रहा है बोलो? X upon under root of x square minus one. Correct. अब ये solve करो this part. नेक्स्ट करो दिस क्वेश्चन सॉल्व करो. तो यहाँ पे दिस पोर्शन थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 एंड दिस इज कॉस 2 थीटा. कॉस 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, यानी कि 1 माइनस 2 इनटू दिस. तो ये हो गया 25 और माइनस 7 यहाँ पे, सो माइनस 7 अपॉन 25. ठीक है, कोई भी डाउट है किसी भी स्टूडेंट को आप लोग बोल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग बोल सकते हो. ये ट्राई करो. सर अंडर रूट ऑफ 5/4, अंडर रूट ऑफ 10/4 नहीं, अंडर रूट ऑफ 10/4. थोड़ा मिस्टेक हुआ इसमें. नहीं, पूरा अंडर रूट है ये बोल रहे हो क्या? हाँ, थोड़ा मिस्टेक हुआ इसमें, कुछ तो मिस्टेक हुआ है. सो स्टार्टिंग विद दिस पोर्शन थीटा, तो ये हो गया कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस 3/4 एंड यहाँ पे फाइंड करना है साइन थीटा बाय 2. थीटा बाय 2. बाकी देखो आप ये भी कर सकते हो यार, ये कंप्लीट पोर्शन भी आप थीटा रखते हो ना तो भी सेम ही है, सेम कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं आपको. तो क्या पुट करना है बोलो, दिस पोर्शन थीटा कंप्लीट थीटा, जो भी तुम्हें सुटेबल लग रहा है कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे. ठीक है, लेट्स से दिस पोर्शन थीटा, नाउ दिस इज साइन थीटा बाय 2. तो बेसिकली आपको कॉट थीटा के हेल्प से साइन थीटा बाय 2 फाइंड करना है. क्या करना चाहिए बताओ? कॉट थीटा के हेल्प से साइन थीटा बाय 2. सर वो कॉट थीटा को कॉस थीटा, कॉट थीटा से कॉस थीटा निकालेंगे और फिर वो थीटा बाय 2 है ना? करेक्ट है, कॉस थीटा को बाद में लिखोगे 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल. हां करेक्ट,
तो cot थीटा है माइनस थ्री अपॉन फोर cos थीटा माइनस थ्री बाय फाइव बेस अपॉन परपेंडिकुलर और यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस तो 5 3 प्लस और माइनस से क्वाड्रेंट पता नहीं ना क्वाड्रेंट नहीं पता है तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा आपको कि कॉट इनवर्स माइनस थ्री अपॉन फोर कॉट इनवर्स नेगेटिव ये कुछ जगह पे कंफ्यूजन होता है हमेशा नहीं होता जैसे यहाँ पे है कि कॉस थीटा तो हमें पॉजिटिव लिखना है या माइनस तो कॉट इनवर्स नेगेटिव क्वाड्रेंट सेकंड एंड फोर्थ केवल सेकंड बेटा केवल सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं हम बताया था ना साइन वर्स सारे पॉजिटिव होते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन वर्स टेन इनवर्स कोसेक इनवर्स नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स नेगेटिव लाइज इन सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट यहां पे आप थीटा बताते हो यहां पे पाई माइनस थीटा और यहां पे 2 पाई माइनस थीटा नहीं बताते कितना बताते हैं माइनस थीटा हाँ ठीक है तो ये कंफर्म है सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि थीटा विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस थीटा आल्सो नेगेटिव तो यहाँ पे आप माइनस यूज करोगे इससे आंसर चेंज हो जाएगा फाइनल तुम्हारे यहाँ कॉस थीटा है माइनस थ्री अपॉन फाइव और अभी कॉस थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल हाँ तो 2 sin square half angle transposition 1 3 upon 5 यानी 8 upon 5 यानी sin square theta by 2 is equal to 4 upon 5 तो फिर sin theta by 2 2 upon root 5 2 by root minus 2 upon root 5 अब ये सोचो plus और minus तो theta था second quadrant यानी pi by 2 2 पाई तो थीटा बाय 2 पाई बाय 4 2 पाई बाय 2 डेफिनेटली 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव यानी sin थीटा पॉजिटिव ये इसका आंसर अगेन कोई डाउट है किसी को बोल सकते हैं बाकी और कोई मेथड आ रहा है तो भी बोल सकते हो कोई भी आपको लगता है तो साइन थीटा है 2 अपॉन रूट 5 तो ये काफी इजी ट्रिक आ गया माइंड में कि कॉट थीटा से पहले आप कॉस फाइंड कर लो एंड देन कॉस को यूज करके उसका हाफ एंगल ठीक है थोड़ा कंफ्यूजन ये था कि प्लस और माइनस तो ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको कॉट थीटा या फिर cot inverse नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos थीटा भी नेगेटिव ठीक है फिर थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे कि प्लस और माइनस तो थीटा था सेकंड क्वाड्रेंट हाफ करोगे तो 45 टू 90 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट sin थीटा बाय 2 पॉजिटिव अच्छा क्वेश्चन था नेक्स्ट सॉल्व करो पहले एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करो दिखने में लेंथी क्वेश्चन है बाकी काफी सिंपल क्वेश्चन है दिस पोर्शन बताओ root 1 minus x square this portion root 1 minus x square sin inverse x is equal to theta sin theta x but then cos theta this portion batao x this portion x plus 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 2 times cancel aur abhi ye ho gaya this ठीक है
दिस पोर्शन थीटा और अभी सेक थीटा बताओ। This is perpendicular upon base और sec theta होता है hypotenuse upon base हाँ so hypotenuse perpendicular square plus base square under root यानी कितना आ गया बोलो 1 upon x fx is equal to this so finally expression is 1 upon x हाँ ठीक है इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करते हैं क्योंकि 1 upon x का तो समेशन हम लोग फाइंड कर नहीं पाएंगे यहाँ पे दिस क्वेश्चन ठीक है तो ये f of x आ गया तो f of 1 upon r क्या आएगा ये बोलो r और अभी क्वेश्चन है दिस सिग्मा r r is equal to 2 10 यानी 2 + 3 + 4 up to 10 वो तो फाइनल क्वेश्चन तो किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है अगेन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 9 upon 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म फाइनल आंसर 54 ये इसका आंसर बोलो कोई डाउट है तो बताओ ओके ठीक है तो इस चैप्टर का फर्स्ट सेकंड और थर्ड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट साइन वर्स कॉस इनवर्स टेन वर्स ये सब सेकंड पॉइंट साइन कॉस इनवर्स कॉस टेन वर्स टेन थर्ड पॉइंट साइन वर्स कॉस इनवर्स इसमें एक्सटर्नल साइड में ट्रिग्नोमेट्री होता है और थर्ड काफी सिंपल था ये हो गया ठीक है इसमें कोई डाउट है किसी को बोलो कोई भी साइन कोई भी कंफ्यूजन वगैरह आता है आप लोग बोल सकते हैं ओके नेक्स्ट पॉइंट अभी फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट्स काफी ज्यादा सिंपल हैं और इनके एप्लीकेशंस भी काफी होते हैं क्योंकि तो सिंपल है इसका मतलब कहीं पे भी ये लोग फिट हो जाते हैं एडजस्ट हो जाते हैं सो फर्स्ट पॉइंट इज दिस साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स सेकेंड टेन इनवर्स एक्स प्लस cot inverse x and third point sec inverse x plus cosec inverse x हाँ ये values fix होती हैं ये भी pi by 2 ये भी pi by 2 ये भी pi by 2 इसको अच्छे से observe कर लो this number और this number same ये same ही होना चाहिए यहाँ पे भी same ये भी same ठीक है pi by 2 है okay है लेकिन domain fix है यहाँ पे x क्या लिख सकते हो आप x belongs to any number belongs to minus 1 to 1 हाँ एंट्री कंडीशन तो सेटिस्फाई होना चाहिए देखो ना वो चीज डिफाइन होनी चाहिए सेकंड पॉइंट टेन इनवर्स कॉट इनवर्स का कोई एंट्री कंडीशन नहीं होता एक्स बिलोंग्स टू और एंड दिस माइनस इनफिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इनफिनिटी हाँ ये सिंपल सा फोर्थ पॉइंट है ठीक है तो एक जैसे आपको दिस एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स तो इसका आउटपुट फिक्स है दैट इज वन पॉइंट फाइव सेवन लेकिन ये आउटपुट डिफाइंड है ओनली फॉर इन द इंटरवल माइनस वन टू वन ये ग्राफ बन गया इसका ठीक है क्वेश्चन ये रहा होता एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स तो इसका भी आउटपुट है पाई बाय टू एंड फॉर एनी नंबर यानी कंप्लीट क्वेश्चन है दिस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स यहां पे भी आउटपुट पाई बाय टू बट डिफाइन ओनली फोर वन राइट साइड और माइनस वन लेफ्ट साइड
ठीक है, तो आप एक बात ये बताओ यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, केवल इतना गिवन है आपको, एफ एक्स एंड जी एक्स आर इक्विवेलेंट फंक्शंस, इक्विवेलेंट एनी इक्वल या आइडेंटिकल फंक्शंस, ट्रू और फॉल्स? हाँ भाई, फर्स्ट स्टेटमेंट बोलो फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि जी ऑफ एक्स है पाई बाई टू, यानी कंप्लीट एक्स एक्सिस पे ही पाई बाई टू आ रहा होगा, तो इन दोनों के ग्राफ सेम नहीं आएंगे क्योंकि ये केवल माइनस वन टू प्लस वन में ही पाई बाई टू आता है। सेकेंड स्टेटमेंट, एच एक्स और जी एक्स ये आइडेंटिकल है क्या? हाँ डेफिनेटली। एनी डाउट? ओके नेक्स्ट पॉइंट, इनके और भी एप्लीकेशंस हैं, मिक्स क्वेश्चंस बनते हैं इनके ऊपर, करेंगे हम लोग अभी, एक बार ये पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट, साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, अगेन साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इनके प्रॉपर्टी सेम ही होते हैं, केवल एक डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग को छोड़ देते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिस, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। तो ध्यान रखना साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, इनमें से माइनस एज इट इज कॉमन, अगेन डोमेन सेटिस्फाई होना चाहिए, वो चीज डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है। कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, इसमें से माइनस एज सच कॉमन नहीं आता है, आप इसको लिखते हो दिस, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स और पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, हाँ ये आता है। अगेन कोई भी क्वेश्चन पुट अप करना है तो करो। कोई भी क्वेश्चन पूछना है आपको इस चीज के ऊपर तो पूछ सकते हो, क्योंकि वैसे तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन तुम पूछोगे तो थोड़ा ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, ओके। सिक्स्थ पॉइंट, इसके ऊपर एक दो एग्जांपल बताए। अच्छा एक चीज ये कंफर्म हो गया, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स ये ऑड फंक्शंस हैं, आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो, माइनस बाहर, ठीक है। ये फंक्शन ऑड या इवन या नथिंग? नथिंग, नथिंग। इवन फंक्शन होता तो माइनस डिसअपीयर, ऑड फंक्शन होता तो एज इट इज माइनस बाहर, ये पाई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, सो दिस इज नथिंग, नाइदर इवन नॉर ऑड। ओके नेक्स्ट पॉइंट, साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स और कॉस इनवर्स वन अपॉन एक्स, ठीक है ये समझना थोड़ा है ना। तो साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स वी कैन राइट कॉसेक इनवर्स एक्स, यानी दीज नंबर्स आर रेसिप्रोकल, हाँ तो ये इक्वल आ जाता है। जैसे सपोज करो आपको ऐसा कुछ लिखना है, कहीं पे ये लिखा हुआ है, लेट्स से कोसेक इनवर्स वन अपॉन टू प्लस रूट थ्री, या फिर कोसेक इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स, तो इसको आप डायरेक्ट वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं बोलो, साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, हाँ रेसिप्रोकल होता है। तो ऐसा मत सोचना कि वन अपॉन के फॉर्मेट में होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये रेसिप्रोकल है,
ये सब बोर्ड्स में गिवन है यार, ये सारे प्रॉपर्टीज बोर्ड्स में गिवन है, ये बोर्ड्स की प्रॉपर्टीज हैं जी, मतलब और भी जगह पे काम आते हैं, डेफिनेटली काम आते हैं, लेकिन ये बोर्ड्स में भी है। तो रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, अच्छा रेसिप्रोकल नंबर्स का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है ये बताओ। प्रोडक्ट वन, हाँ ये आइडेंटिफिकेशन होता है प्रोडक्ट वन। ये तो ठीक है कि एक नंबर टू है तो दूसरा वन अपॉन टू होना चाहिए, उनका आइडेंटिफिकेशन ये कि प्रोडक्ट वन, जैसे कहीं पे ये है कोसेक इनवर्स टू प्लस रूट थ्री, सो कोसेक इनवर्स टू प्लस रूट थ्री कैन बी रिटर्न एज साइन इनवर्स टू माइनस, हाँ तो टू प्लस रूट थ्री और टू माइनस रूट थ्री दिखता नहीं है रेसिप्रोकल है, लेकिन ये है क्योंकि इनका मल्टीप्लीकेशन कितना है वन वन। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी फॉर कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स वन अपॉन एक्स कैन बी रिटर्न एज सेक इनवर्स एक्स, हाँ अगेन ये लोग भी रेसिप्रोकल। ठीक है, टेन इनवर्स में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, वो क्या प्रॉब्लम आता है वो देख लेते हैं। देखो टेन इनवर्स एक्स को भी आप लिख सकते हो कॉट इनवर्स वन अपॉन एक्स, इसमें प्रॉब्लम क्या है समझने का ट्राई करो। जैसे यहाँ पे लेट से एक्स पॉजिटिव नंबर है, तो साइन इनवर्स पॉजिटिव और कॉसेक इनवर्स पॉजिटिव बोथ आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, और सपोज को आप एक्स नेगेटिव नंबर पुट करते हो तो साइन इनवर्स नेगेटिव राइट साइड में कॉसेक इनवर्स नेगेटिव, साइन इनवर्स नेगेटिव कॉसेक इनवर्स नेगेटिव बोथ आर इन थर्ड क्वाड्रेंट लेफ्ट और राइट सेम। यहाँ पे देखते हैं सपोज को आप एक्स पॉजिटिव पुट करते हो तो वन अपॉन एक्स भी पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव तो वन अपॉन एक्स भी नेगेटिव। ठीक है, एक्स पॉजिटिव है तो कॉस इनवर्स पॉजिटिव राइट साइड में सेक इनवर्स पॉजिटिव both lines in the first quadrant, first quadrant. यानी ये 45 degree है तो ये भी let's say 45 degree है, same. आप x negative number put करते हो तो cos inverse negative और यहाँ पे भी sec inverse negative both are in second quadrant. हाँ, यानी ये 135 degree angle है तो ये भी 135, यानी ये लोग हर situation में same होते हैं। तुम्हें समझ में आ गया होगा यहाँ पे problem आएगा, क्या problem आएगा बोलो। वो कॉट को निगेटिव पुट किया तो फिर वो पाई माइनस करके, तो फिर क्या करें आप जस्ट क्वाड्रेंट सोचो, केवल क्वाड्रेंट सोचो, एक्स पॉजिटिव टेन इनवर्स पॉजिटिव दिस इज कॉट इनवर्स पॉजिटिव, यानी ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज आल्सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइक पाई बाय 6 पाई बाय 6। ठीक है, आप एक्स नेगेटिव पुट करते हो तो टेन इनवर्स नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट और cot inverse negative second quadrant, हाँ यानी ये आपको मिलेगा यहाँ पे minus 30 degree, लेकिन ये क्या आने वाला है pi minus theta, समझते हो theta pi minus theta और यहाँ पे minus theta, तो minus pi by 6 और 5 pi by 6 equal होता है क्या? ठीक है, नहीं होते। हाँ तो ये आप x पॉजिटिव पुट करते हो ना तो ये वैलिड है, इक्वल आता है। नेगेटिव में क्या प्रॉब्लम आएगा, ये माइनस 30 डिग्री है लेकिन ये कितना है 150। अभी खुद सोचो कि माइनस 30 को 150 में कन्वर्ट करना है तो कितना एक्स्ट्रा ऐड करना चाहिए 180। तो यहाँ पे ये कंपनसेट करना पड़ता है एक्चुअली हम लोगों को। ठीक है, इसको एक काम करो, इसको इस तरीके से लिखो, cot inverse x इज इक्वल टू tan इनवर्स वन अपॉन एक्स।
तो यहाँ पे ऐड करोगे 180, ठीक है। तो इसमें कितना ऐड करना होता है हम लोगों को, पाई व्हेन एक्स नेगेटिव। तो यार ये इंपॉर्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन में जब आप इंटीग्रेशन करते हो वहां पे कांस्टेंट आता है, आर्बिटरी कांस्टेंट, तो वहां पे भी काफी एप्लीकेशंस होते हैं इसके, ठीक है। इतना माइंड में रखो, जस्ट एक्स पॉजिटिव डायरेक्ट रेसिप्रोकल और एक्स नेगेटिव, देन पाई विल बी एडेड इन tan इनवर्स में पाई ऐड होगा। तो ऑलरेडी सपोज करो cot इनवर्स है, तो आप tan इनवर्स को लिखना पाई ऐड करके, और सपोज करो tan इनवर्स है उसको cot इनवर्स में चेंज करना है, तो पाई tan इनवर्स में ऐड हो रहा है या फिर cot इनवर्स में माइनस माइनस। तो इफ x नेगेटिव पाई विल बी एडेड इन tan इनवर्स tan इनवर्स, ठीक है। ये माइंड में हमें रखना चाहिए, बाकी इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में है, प्रॉब्लम केवल किसमें आता है, tan इनवर्स और cot इनवर्स। बोलो कोई डाउट है तो बताओ। पाई विल बी एडेड इन tan इनवर्स। अच्छा ये बताओ tan इनवर्स x, वेयर x नेगेटिव, cot इनवर्स 1 बाय x माइनस पाई। हाँ तो दिस कैन बी रिटन एज, या फिर एक काम करते हैं इसको 1 अपॉन करते हैं, ठीक है। तो नाउ वी कैन राइट इज cot इनवर्स x, और tan इनवर्स में पाई ऐड होता है, तो cot इनवर्स में माइनस पाई, ठीक है। और एक पॉइंट ये भी है कि cot इनवर्स x को तुम ये भी लिख सकते हो पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स, इसमें कोई सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे कोई सिचुएशन नहीं, ठीक है, यहाँ पे कोई सिचुएशन नहीं। तो पैरेलल में ये प्रॉपर्टी भी है, इसको थोड़ा सा माइंड में रखना है, ठीक है। सो दिस इज पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई, सो दिस इज बेसिकली माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई टू। तो आपने टेन इनवर्स को टेन इनवर्स के फॉर्म में ही चेंज किया, एनी डाउट? ये ऑप्शंस में यूज होता है एक्चुअल में, तुम्हें समझ में आएगा तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्लियर होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स, एक बार फिर से इनको गो थ्रू कर लेते हैं। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स कॉस सेक इनवर्स, एडिशन होता है पाई बाई टू, ठीक है। माइनस है तो साइन इनवर्स में से माइनस बाहर, कॉस इनवर्स में से पाई माइनस, कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स आइडेंटिकल, ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज, sin inverse direct reciprocal, cos inverse direct reciprocal, cot inverse और tan inverse, इसमें थोड़ा careful रहना होता है आपको। x positive direct reciprocal, x negative pi added in tan inverse या फिर cot inverse में minus pi, okay। next question देखते हैं, sin inverse x plus sin inverse y is equal to 2 pi by 3, then find cos inverse x plus cos inverse y, ये question solve करो।
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई ये गिवन है 2 पाई बाई 3 120 डिग्री और फाइंड करना है आपको कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। सो पाई बाई 3 करेक्ट आंसर है। दिस इज पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। हां एंड दिस इज पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई। ठीक है ट्रांसपोजिशंस वगैरह और फाइनली कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई माइनस 2 पाई बाई 3 यानी कि पाई बाई 3। ठीक है बताओ कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो किसी को। काफी कॉमन क्वेश्चन है यार एग्जाम में आता ही है। तुम देखना प्रीवियस ईयर्स में बहुत जगह पे मिलेगा आपको ये और बहुत ही सिंपल है मतलब कुछ भी नहीं था इसमें जस्ट पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस सॉरी ग्रेटर देन कॉट इनवर्स एक्स एक्स फाइंड करना। अगेन रेसिप्रोकल जैसा यूज मत करना रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस कॉट इनवर्स एक्स कैन बी रिटन एज फाइव बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। सो टू टेन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन फाइव बाई टू यानी कि टेन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन फाइव बाई फोर टेन इनवर्स स्ट्रिक्टली Increasing. तो x greater than 10 5 by 4 अगेन 10 inverse का कोई maximum condition होता है क्या? नहीं 10 inverse होता तो extra कितना add करते हैं यहाँ पे 5 by 2 1 क्योंकि sin inverse के according x maximum 1 ही possible है ना। हाँ अभी नहीं है रिक्वायरमेंट क्योंकि टेन इनवर्स की मिनिमम मैक्सिमम कोई भी कंडीशन नहीं होती है। सो फाइनल आंसर एक्स ग्रेटर देन 1 हाँ ये इसका आंसर। ठीक है चलो गेम भी कर दो फिर तुम लोग अभी। साइन इनवर्स एक्स लेस देन कॉस इनवर्स एक्स ये ट्राई करो। x lies between minus 1 to 1 by root 2 minus 1 to 1 upon root 2 हाँ minus 1 to minus 1 upon root 2 कुछ mistake लग रहा है बेटे इसमें तो। अच्छा ओके sin inverse less than में ना हाँ करेक्ट करेक्ट है तो आप क्या चेंज कर रहे हो cos inverse को इन फॉर्म ऑफ sin inverse और sin inverse को इन फॉर्म ऑफ cos inverse sin को cos भी तुम्हें सुटेबल लगता है वो कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है आंसर सेम ही आता है जो भी आपको सुटेबल लगता है कर सकते हो आप। तो ये हो गया अभी 2 sin inverse x less than pi by 2 यानी कि दिस sin inverse strictly increasing equation sin will not change या फिर x यहाँ पे हो गया है अभी less than sin pi by 4 यानी x less than 1 upon root 2 लेकिन sin inverse का minimum entry point भी होता है कितना minus 1 यार ये कैलकुलेशन में नहीं आएगा ध्यान रखना ये आपको अपने आप से अप्लाई करना है और इसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए उसका तभी करोगे क्योंकि ये कैलकुलेशन में नहीं आ रहा था कहीं पे भी नहीं आ रहा था माइनस में। ठीक है तो पता है लेकिन हम लोगों को कि उसका एंट्री पॉइंट होता है ऐसे तो फिर अलग से आप अप्लाई करते हो तो ये हो गया माइनस 1 टू 1 अपॉन रूट 2 बाकी देखो ग्राफ से भी कर सकते हो यार इसको ये साइन इनवर्स होता है इन माइनस फाइव बाई टू टू फाइव बाई टू हाँ और ये होता है कॉस इनवर्स जीरो टू आपको कॉस इनवर्स ग्रेटर चाहिए तो ये वाला पोर्शन ये होता है माइनस वन यहाँ पे इक्वल होता है ये लोग वन अपॉन रूट टू पे क्योंकि वन अपॉन रूट टू पे दोनों पे एंगल कितना आएगा 45 डिग्री और यहाँ पे भी कितना आएगा बोलो 45 डिग्री। ठीक है
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. f of x is equal to under root of sine inverse minus x minus cos inverse minus x. डोमेन फाइंड करना है f of x का. ये ट्राई करो. तुम चाहो तो माइनस एक्स को टी पुट कर सकते हो. फिर ये क्वेश्चन वही बन गया जो भी सॉल्व किया था. माइनस एक्स को टी पुट कर लो. बाहर वगैरह लाने का ट्राई मत करो. जरूरत नहीं है. So sin inverse t greater than or equal to cos inverse t. This is pi by 2 minus sin inverse t minus sin inverse t left side plus 2 times 2 divide. So basically sin inverse t greater than or equal to pi by 4. T greater than or equal to sin pi by 4 1 upon root 2. लेकिन इसका maximum entry condition है कितना बोलो? 1. एंड वॉट इज टी टी इज माइनस एक्स. तो अभी आपको फाइंड करना है x यानी मल्टीप्लाई विद नेगेटिव साइन चेंज. ये आंसर. माइनस वन टू माइनस वन अपॉन रूट टू. सिंपल क्वेश्चन. ठीक है. बताओ कोई डाउट है तो बोलो. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. टेन इनवर्स 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस cot inverse x square plus 1 upon 2x is equal to 2 pi by 3. आपको x find करना. ये भी exam point of view से काफी common questions होते हैं. Common का मतलब ये आते हैं और काफी बार आते हैं इस type के questions. और बहुत simple होता है. मतलब काफी simple. तुम दोनों आपको इसमें कुछ speciality दिख रहा है क्या? Reciprocal है. तो यहाँ पे reciprocal के बारे में सोचोगे. ठीक है. अब आप इतना देखो कि तुम्हें cot inverse को tan inverse में चेंज करना है या tan inverse को cot inverse में, जो भी तुम्हें सुटेबल लगता है. बताओ क्या सुटेबल है, tan inverse को cot inverse या cot inverse x into tan inverse? cot inverse x को. ठीक है. सो दिस कैन बी रिटन एज tan inverse. अच्छा लेकिन उसमें भी कंडीशन है ना, इफ इनपुट पॉजिटिव डायरेक्ट रेसिप्रोकल एंड इफ इनपुट नेगेटिव रेसिप्रोकल करोगे और पाई ऐड करोगे कहां पे? tan inverse. tan inverse. तो केस 1 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव. देन दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज tan inverse 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1. हाँ ठीक है. डायरेक्ट तो ये हो गया अभी tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स यानी कि 2 टाइम्स tan इनवर्स 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन सॉरी इक्वल टू 2 पाई बाई 3.
tan inverse a is equal to b, a is equal to tan b, यानी 2x upon x square plus 1 is equal to 10 2 pi by 3 and tan 60 degrees root 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 2x is equal to root 3x square minus 2x plus root 3 is equal to 0 मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है क्या 4 मल्टीप्लिकेशन 3 ठीक है नहीं हो पाएगा माइनस होता तो होता ठीक है तो एक काम करते हैं यहाँ अच्छा इसका डी नेगेटिव तो नहीं आ रहा है डी कितना हाँ डी नेगेटिव है डी स्क्वायर माइनस का 4ac यानी कि 12 तो डी नेगेटिव यानी कि नो सॉल्यूशन तो यहाँ पे तो कोई सॉल्यूशन नहीं तो देखो ऑब्वियस ही बात है यार आपको मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा था एक बार डी का माइंड में आना चाहिए तो सॉल्व नहीं करना पड़ा आपको ठीक है केस टू कंसीडर करते हैं केस टू इज दिस एक्सप्रेशन फर्स्ट था पॉजिटिव और अभी नेगेटिव सो दिस इज टेन इनवर्स यहां पे है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां पे था कॉट इनवर्स x square plus 1 upon 2x is equal to 2 pi by 3. तो अभी इनपुट है negative. This will be tan inverse 2x upon x square plus 1 और extra कितना बोलो? Plus pi. Pi. हाँ, बिल्कुल. ठीक है. तो ये हो गया 2 tan inverse 2x upon x square plus 1 और right side में कितना आ रहा है बोलो? माइनस पाई बाई थ्री सो ये नेक्स्ट स्टेप इसका आ गया है अभी यहाँ पर tan inverse 2x upon x square plus 1 is equal to minus pi by 3 upon 2 यानी माइनस पाई बाई सिक्स अच्छा एक पॉइंट और यार है ना कुछ लोग आफ्टर लेक्चर नोट्स फिर से लिखते हैं तो लिखने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है ठीक है मुझे लगता है ये राइटिंग क्लियर हो गया होगा आप लोगों को समझ आ रहा है ना ये राइटिंग हैंड राइटिंग ठीक है मुझे लगता है तो ये भी तुम रिटेन कर सकते हो तो वापस से सारे नोट्स फिर से लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है जस्ट रीड कर लिया करो वो काफी है ठीक है जस्ट रीड कर लिया करो वो काफी है क्योंकि ऐसा फिर से लिखोगे तो बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा इसमें सो 2x / x² + 1 = tan ऑफ -30 डिग्री tan ऑफ -30 डिग्री रिक्वायरमेंट है मेरे को तो बोल सकते हो यार है ना ठीक है तो 2x upon x square plus 1 is equal to minus 1 upon root 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो ये हो गया x square plus 1 is equal to minus root 3 2 root 3x और ये हो गया है अभी x square plus 2 root 3x plus 1 is equal to 0 x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac 2 root 3 square यानी कि 12 minus 4 into 1 into 1 12 minus 1 sorry 12 minus 4 8 2 root 2 upon 2 तो ये कितना आ रहा है बोलो minus 3 सॉरी माइनस रूट थ्री प्लस माइनस रूट टू अपॉन टू माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू ओके अच्छा एक पॉइंट और जैसे यहाँ पे अभी वही पॉइंट है कि केस मस्ट बी फॉलोड केस था दिस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एक्स नेगेटिव तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ऑलवेज पॉजिटिव यानी दिस एक्सप्रेशन विल बी नेगेटिव इफ डिनोमिनेटर नेगेटिव यानी एक्स नेगेटिव हाँ तो केस मस्ट बी फॉलोड ये ध्यान रखें सो एक्स शुड बी नेगेटिव तो एक्स मस्ट बी नेगेटिव ठीक है सो फाइनली हाउ मेनी सॉल्यूशंस
ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो टोटल कितने सॉल्यूशंस? टू सॉल्यूशंस, टू सॉल्यूशंस, ये आंसर। एनी डाउट? नो सर। सो फर्स्ट केस में कोई आंसर नहीं था, सेकंड केस में आंसर है दिस। अगेन ध्यान रखना, कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि इसको वापस से चेक करना, लेकिन करना पड़ता है आपको। वही ऑब्वियसली बात है ना, जो केस आपने कंसीडर किया है वो तो सेटिस्फाई होना ही चाहिए। भाई ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि केस कुछ और है, आंसर कुछ और आ रहा है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन ये कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम में, आप स्टेट बोर्ड की बुक में भी है ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है ये, अभी आप अपने आप से ट्राई करो। cot inverse x square minus 1 upon 2x plus tan inverse 2x upon x square minus 1 is equal to 2 pi by 3। ये अपने आप से ट्राई करो, सेम ही है, बस वहां पे x square plus 1 था, ये x square minus 1 है, बाकी सब सेम ही है, करो ट्राई। कौन एक्सपेक्ट करेगा बोलो? सर पहले x पॉजिटिव में 2 टाइम्स tan इनवर्स x। बेटे जस्ट x के केसेस थोड़ी बनाते हैं, कंप्लीट एंट्री के केसेस बनाते हैं। हाँ दिस कंप्लीट, हाँ दिस कंप्लीट,
पॉजिटिव। अभी तुम समझने का ट्राई करो, एक्स स्क्वायर माइनस वन खुद ये भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लाइक लास्ट क्वेश्चन में दिस था, तो दिस पोर्शन ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ तो ये कम्प्लीटली डिनोमिनेटर पे डिपेंड करेगा अभी, लेकिन अभी नहीं है। दिस पोर्शन ऑल्सो कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ तो ये तो बेसिकली एक इनइक्वेशन टाइप हो गया, x प्लस वन एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स ग्रेटर देन जीरो, क्रिटिकल पॉइंट्स माइनस वन जीरो एंड प्लस माइनस, तो आपका जो आंसर है वो इस इंटरवल में ही आना चाहिए, माइनस वन टू जीरो एंड वन टू इनफिनिटी। हाँ तो फर्स्ट केस दिस पॉजिटिव, डायरेक्ट टेन इनवर्स दिस, इसमें कोई डाउट? ठीक है, टू टाइम्स और फिर ये हो गया है दिस, और इसके बाद फिर दिस, और अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करो और इस इंटरवल में आंसर चेक करो। तो ये हो गया है रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो, जीरो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी कि ट्वेल्व अंडर रूट फोर अपॉन टू रूट थ्री। हाँ तो ये हो गया सिक्स अपॉन टू रूट थ्री, सो रूट थ्री एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी इज माइनस माइनस वन अपॉन रूट थ्री, ये चेक करो रूट थ्री ओके है क्या? हाँ माइनस वन अपॉन रूट थ्री भी ओके आई थिंक, देखो हाँ ये माइनस जीरो पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी ओके है। ठीक है तो टू सॉल्यूशंस तो ये हो गए। नेक्स्ट केस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स नेगेटिव, अगेन क्रिटिकल पॉइंट्स माइनस वन जीरो वन प्लस माइनस प्लस और नेगेटिव पोर्शन, यानी अभी आंसर यहां पे आना चाहिए इस इंटरवल में। ठीक है दिस कॉट इनवर्स कैन बी रिटन एज टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, लेकिन पाई ऐड करोगे आप और एक्स्ट्रा टेन इनवर्स ऑफ इज इक्वल टू टू पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री माइनस पाई यानी माइनस पाई बाई थ्री, ये हो गया टू टाइम्स अपॉन टू, सो टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू माइनस पाई बाई सिक्स। हाँ माइनस पाई बाई सिक्स, ठीक है। Then next step is 2x upon x square minus 1 is equal to minus 1 upon 3. ये simplify करो, solve करो, देखो कितने x आते हैं। Minus root 3 plus 2 and minus root 3 minus 2. Divide by 2 करने पे कितना आ रहा है? Same ही आ रहा है क्या जो तुम बोल रहे हो? हाँ। X square minus 1 is equal to minus 2 root 3x. यानी x स्क्वायर प्लस टू रूट थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अगेन बी स्क्वायर माइनस फोर इसी करोगे तो फोर अपॉन टू यानी कि टू, तो ये हो गया है अभी माइनस रूट थ्री प्लस टू एंड माइनस रूट थ्री माइनस टू, आंसर शुड बी इन दिस इंटरवल। ओके सो माइनस रूट थ्री प्लस टू ये ओके है क्या बोलो? हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, सब ठीक है ना लोगों ने कैलकुलेशन? हाँ ठीक है, सो माइनस रूट थ्री प्लस टू ये सॉल्यूशन ओके है? नहीं नहीं ठीक है, डन एंड दिस इज आल्सो करेक्ट। तो फाइनली हाउ मेनी सॉल्यूशंस? फोर, टोटल फोर सॉल्यूशंस एंड सॉल्यूशंस आर रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री माइनस रूट थ्री प्लस टू और माइनस रूट थ्री माइनस टू, ये इसका आंसर है। ठीक है बताओ, कोई डाउट है तो बोलो।
सर माइनस टू थ्री प्लस टू माइनस जीरो पॉइंट थ्री टू आएगा ना, तो माइनस रूट थ्री प्लस टू, टू माइनस वन पॉइंट सेवन यानी कि जीरो पॉइंट थ्री, तो जीरो पॉइंट थ्री ठीक है ना, यही पे तो आएगा। हाँ हाँ सॉरी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फाइनली टोटल फोर सॉल्यूशंस। एनी डाउट? नो सर। ओके ठीक है। अच्छा शीट का मैं बता देता हूँ आप लोग अभी कितना सॉल्व कर सकते हो तो ठीक रहेगा। ये शीट आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे जो पहले होमवर्क दिया था वो तो कंप्लीट कर ही सकते हैं हम लोग फंक्शंस के अंदर, तो अप टू सेक्शन सेक्शन डी इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ये फंक्शन का लास्ट टॉपिक होता है, हम लोगों ने किया था ये पूरा, आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए था अभी तक। तो ये फंक्शन भी हम लोग ऑलमोस्ट वन मंथ से पढ़ रहे थे, तो वन मंथ में इतना सेक्शन कंप्लीट करना कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। तो सेक्शन डी ये पहले तक होमवर्क था, अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेक्शन ई आप कंप्लीट कर सकते हो पूरा, सेक्शन एफ भी कर सकते हो, सेक्शन जी अभी रहने देना। तो सेक्शन ई एंड सेक्शन एफ इन एक्सरसाइज वन पार्ट वन एंड पार्ट टू, सेक्शन ई एंड सेक्शन एफ एक्सरसाइज वन पार्ट वन एंड पार्ट टू, ये हम लोग पढ़ सकते हैं ठीक है। ओके इसमें कोई डाउट है बोलो, अभी तक जितना आज हम लोगों ने पढ़ा उसमें कोई डाउट है, इसके अलावा और कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो, बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे ही करेंगे। अभी ये चैप्टर दो लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा, अभी सारे चैप्टर नहीं होते हैं यार, फोर फाइव लेक्चर्स में हो जाते हैं सारे चैप्टर्स, लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन तो विद इन थ्री लेक्चर्स हो जाता है, फिर एक टॉपिक आएगा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बाकी सारे फिर इजी टॉपिक है। तो होपफुली इस मंथ में हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगा, फिर इंटीग्रल कैलकुलस के लिए वन मंथ। ओके बताओ कोई डाउट है किसी को, और इसके अलावा भी और कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। सर एक हाँ बोलो, कोई डाउट है? वो एक अभी पीछे क्वेश्चन था ना, वो रूट ओवर साइन इनवर्स एक्स। एक सेकंड कहाँ पे? अच्छा ये क्वेश्चन ठीक है, हाँ बोलो। मैं अगर रेंज फाइंड करना होगा तो रेंज भी फाइंड कर सकते हैं ठीक है, तो रेंज के लिए भी मैं पहले टी ही कंसीडर करता हूँ इसको, है ना? हाँ। तो ये बन गया अभी साइन इनवर्स टी माइनस कॉस इनवर्स टी, टी cos inverse t we can write pi by 2 minus sin inverse, तो ये बन गया b 2 sin inverse t minus pi by 2, sin inverse t के values क्या होते हैं? minus pi by 2 2 by 2, हाँ क्योंकि यहाँ पे t है minus x, x खुद minus infinity to plus infinity होता है। हाँ okay इसको मल्टीप्लाई करो विद 2 तो ये बन गया माइनस पाई 2 प्लस पाई, इसमें करो माइनस पाई बाई 2 यानी ये हो गया है माइनस 3 पाई बाई 2 2 पाई बाई, ये वैल्यूज एज अ एंट्री किसमें आ रहे हैं अभी? रूट, और वो वैल्यूज यूज करेगा 0 से। हां स्क्वायर रूट भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होता है, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 और पाई बाई 2 का स्क्वायर रूट रूट पाई बाई, ये रेंज है। सर वो माइनस एक्स को माइनस साइन इनवर्स एक्स और प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स ऐसे करेंगे? वो भी कर सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम? रूट पाई बाय 2 आ रहा है ना फाइनल आंसर फिर उसमें? हाँ इस मेथड में तो रूट पाई बाय 2 आ रहा है ठीक है, उसमें कुछ अलग आ रहा है? नहीं उसमें रूट पाई बाय 2 सिर्फ आ रहा है ना, देखते हैं। देखो तुम यही तो बोल रहे हो, ये हो गया हाँ, फिर ये हो गया। हाँ अच्छा तुम ये बोल रहे थे कि sin inverse x plus cos inverse x बन जाएगा यहाँ पे,
ओके ओके नहीं सर सॉरी वो मेरा कैलकुलेशन तो नहीं बनेगा ना वो क्योंकि डिफरेंट साइन है. हाँ सोया तुम ठीक से करो भाई थोड़ा यार ना तुम काफी सिली मिस्टेक्स कर रहे हो. हाँ सर और कोई डाउट है तो बोलो. तुम लोग यार कुछ करते ही नहीं हो तो कोई डाउट भी नहीं पूछते. ये काफी बहुत क्लासिक शीट है जो आपको दिखता है फंक्शन का. बहुत क्लासिक क्वेश्चन है मतलब काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. तुम्हें इंटरेस्ट है क्वेश्चन सॉल्व करने में तो तुम्हारे लिए शीट बहुत शानदार शीट है. मतलब ऐसे क्वेश्चन पहले कभी नहीं आए थे. 11th तक कभी नहीं आए थे इस टाइप के क्वेश्चन जैसे शीट में है क्वेश्चन. ठीक है हर क्वेश्चन से तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे तो करना ट्राई जब भी टाइम मिले. और टाइम तो निकालना पड़ता है ना. टाइम कहाँ जाता है तुम लोगों का. थोड़ा IPL देखना कम करोगे तो टाइम मिलना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है ऐसे भी काम करना स्टार्ट करो जिसमें आपका बेनिफिट हो नहीं जस्ट लोगों की TRP इंक्रीज हो. ठीक है अपनी TRP इंक्रीज करवाओ लोगों से. ओके चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम पे. बाय सर.